आपको 2 सितंबर के पेपर के बारे में एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तमिल भाषा को कब जोड़ा गया 2004 में, PMKY प्रधानमंत्री कौशल योजना आपकी जो कब शुरू हुई थी 2015 में, जर्मन बैडमिंटन चैंपियनशिप में विक्टर एल्सन को किसने हरा लक्ष्य सेन ने, 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 11वां, भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता अटॉर्नी जनरल, छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है दामोदर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई 1993, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और बीच की उंगली के बीच कितने का कोण बनता है 90, प्रधानमंत्री बीमा योजना में डेथ कवर कितना है 2 लाख, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, जादू टोने का संबंध किस वेद से है अथर्ववेद, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के शिलान्यास किया मणिपुर में, श्रीलंका और भारत को कौन सी जल संधि जोड़ती है पाक जल संधि, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ 13वीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्या है शल्य चिकित्सा में होता है, सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सी होती है सीजियम, DRDO के साथ मिलकर रेडियो तकनीक सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया IIT कानपुर में, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है जैसलमेर में, उत्तल दर्पण के सामने रखा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, जाकर आप देख सकते हैं, आय से ज़्यादा खर्च हो जाए तो किस में जाएगा राजस्व घाटा में, धारा को तिगुना और विभवांतर को दुगुना करने पर ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है 4 गुना बढ़ जाती है, पादपों में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है स्वतंत्र 170 से 200 सेंटीमीटर, दंत का शिखर किसका बना होता है एनेमल का, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी MG रनाडे ने। एक प्रश्न आपका रिएक्शन संतुलित करने को दिया गया था, क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मध्य है 14 से 18, लचीली अस्थियाँ कौन सी होती हैं उपास्थि, दोपहर के बाद सूर्य की किरण सफ़ेद क्यों दिखाई देती है, प्रकाश का प्रकरण का सबसे कम होना, जब लेंस का अपवर्तन होता है तो वह कौन सी चीज़ है जो एक ही अक्ष पर होती है आपतन और अपवर्तन किरण, अवतल दर्पण में वस्तु की फोकस दूरी के बराबर पर रखा जाता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है अनंत पर, 3 प्रतिरोध 10, 15 और 30 को समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध कितना होगा आपका 5 ओम, जब चुंबकीय क्षेत्र से दूरी बढ़ने लगे तो क्या होगा चुंबकीय प्रभाव घटने लगेगा, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा CA, ये भी आप रिपीटेड क्वेश्चन है, CSO4 का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है क्वेश्चन इस पूछा गया था, साबुन बनाने में खिलौने बनाने में हड्डियों को जोड़ने में, इसका आंसर होगा साबुन को बनाने में। RRB ग्रुप डी के आपके सेकंड 2 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 21, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता था दबंग दिल्ली ने, IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है परम गंगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसने जीता है रवि कुमार दहिया ने, निम्नलिखित में कौन सा समजातीय ग्रुप है आपका, उसमें है आपका CS3CO CS3 CS3CO CS2 CS3, वाशिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसी होती है आयन का दौरा विस्थापन होता है, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था 15 मार्च 1950, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था जो अब नीति आयोग में बदल गया है, महात्मा गांधी ने हरिजन समाज की स्थापना कब की थी 1932 में, सातनों कोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है त्रिपुरा में, जियो पारसी योजना की धनराशि कितनी है 8 लाख, नॉर्थ पोल से चुंबकीय रेखा निकलती है वो कैसे होती है समांतर गुजरती है, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच है सतलज और काली नदी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो क्षमता कितनी होगी 5 डायोप्टर,
मोटर के अंदर करंट की दिशा को रिवर्स करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? द्विक परिवर्तक का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.4। अनुच्छेद 29(1) क्या है? मौलिक अधिकार जो कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए किया जाता है। दक्कन के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी होती है? गोदावरी। मैकाले पठार से निकलने वाली कौन सी नदी है? बेतवा। पेशा एक्ट कब पारित हुआ था? 24 दिसंबर 1996। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। पौधे में पोषक तत्वों की कमी होने पर भोजन कैसे प्राप्त कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 24.62। कभी कभी क्वेश्चन इसमें कितने प्रतिशत क्षेत्र में, इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। मीथेन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अनुपात क्या होगा? 1:2। प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? आकार पर। आरआरबी ग्रुप डी 2 सितंबर के थर्ड सेट के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। रेलों ने ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का विकास किया है? कवच। आगे चलकर हम आपको वीडियो में कवच के बारे में ज़्यादा डीपली नॉलेज देंगे, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका के गठन से। नीति निर्देशक तत्व तो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। रोलेट एक्ट के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। राजस्थान के किस जगह पर इस बार सर्दियों में रिकॉर्ड 1.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया? चुरू में। यदि शक्ति 2200 वाट और वोल्टेज 220 वाट हो तो प्रतिरोध ज्ञात करें। IPL 2022 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? 10। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। लाल और पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हर वर्ष लाल किले पर कब और कौन झंडा फहराता है? 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्षों में सेवा से निवृत्त हो जाते हैं? 1/3। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी। दिल की धड़कन किस यंत्र से मापते हैं? स्टेटोस्कोप। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कौन सी शास्त्रीय भाषा है? संस्कृत। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह 2022 से कब तक मनाया जाता है? 1 से 8 मार्च। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्राप्त की जाती है? क्रूड ऑयल से। पौधे में श्वसन की क्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।